यदि हमारा पेट अच्छे से साफ हो गया तो समझो हमारा सारा दिन एकदम तरोताजा निकलेगा। ना हमें रिवाइटल खाने की जरूरत है, ना कोई न्यूट्री चार्ज लेने की जरूरत है। यदि हमारा पेट साफ नहीं होता है अच्छे से तो हमें बहुत सारी बीमारियां जकड़ना शुरू कर देती हैं, जैसे गैस है, तेजाब है, कब्ज है, अफारा है, बवासीर है, लीवर फैटी है, लीवर के रोग हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जकड़न भी हो सकती है, हमारे बाल भी झड़ सकते हैं, समय से पहले सफ़ेद भी हो सकते हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का जो है हमें सामना करना पड़ सकता है यदि हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो। तो हमारा पेट खराब क्यों होता है, हमें कब्ज होती क्यों है, इसके ऊपर कोई दैवीय शक्ति का काम नहीं है। ये हमारे अपने कर्म हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। हमारा खान पान जैसा होना चाहिए उसके विरुद्ध चलते हैं तो हमें ये परेशानियां होती हैं। बहुत गर्म भोजन करना, बहुत जल्दी जल्दी भोजन करना, फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग करना, रूखी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे पेट में जो है गड़बड़ी करती है, जिससे हमें कब्ज का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आज इस प्रयोग के बाद आपको जो है कब्ज होनी बंद हो जाएगी। आपको बस करना क्या है, दो चार चीज़ें आपके जीवन में लेकर के आनी है कि ज़्यादा रूखी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, फास्ट फूड कभी कभार कर लिया कोई बात नहीं, लगातार उसके पीछे नहीं लगना है। और सबसे खास जो है वो ये है कि हमें जो भोजन करते हैं, भोजन करते समय जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसको खूब चबा करके खाएं और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी लेते रहें। अब आप कहोगे कि हमने तो सुना है कि भोजन के साथ पानी लेना जहर है, तो वो थोड़ा सा समझने में फर्क रहा है। भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा पानी लेते हो वो जहर नहीं है, भोजन के बाद तुरंत बाद आप पानी पीते हो वो जहर है। क्योंकि आयुर्वेद का जो सूत्र है वो ये है कि भोजनान्ते विषमवारी, यानी भोजन के बाद जो हम जल का सेवन करते हैं वो विष के समान है, जहर के समान है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे शरीर में जठर अग्नि प्रदीप्त हुई है भोजन को पचाने के लिए, यदि हम एक से डकाडक पानी पी जाएंगे तो वो अग्नि जो प्रज्वलित हुई है वो दोबारा बुझ जाएगी। बस यही कारण है कि हमें भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अब कितनी देर तक पानी नहीं पीना है? यदि आप भारी हो शरीर से तो आप कोशिश करो कि आप भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी ना पियो, और यदि आप सामान्य हो तो लगभग 40-45 मिनट के बाद पानी पी लो। यदि आप शरीर से थोड़े कमज़ोर हो तो लगभग 30 मिनट में जो है पानी आपको पी लेना चाहिए, और कोशिश करो कि जो पानी आप पियो वो थोड़ा गुनगुना सा हो, अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कब्ज की, वो कौन सी दवा है जो आपको घर पे बनानी है और जो उसका आपको प्रयोग करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप 50 रुपये का ले आओ अरंडी का तेल, 50 रुपये का अरंडी का तेल ले आओ, और 20 रुपये की ले आओ हरितकी, यानी हरड़, बड़ी हड लेके आना, छोटी हड मत लेके आना। 50 रुपये का अरंडी का तेल और 20 रुपये की हरितकी ले आओ। अब अरंडी के तेल को कढ़ाई में डाल करके उसके अंदर आपको हरितकी को भूनना है। हरितकी जब अच्छी तरह से भून जाए तो उसको कूट करके उसके बीज फेंक दो, और उस हरितकी की जो है आधी चम्मच मात्र सप्ताह में एक बार देना शुरू कर दो, मात्र आधी चम्मच। और अपने भोजन के अंदर जो है थोड़ा चिकनाई युक्त पदार्थ लेकर के आओ, खास करके गाय का घी यदि आप खाते हो तो आपके लिए वरदान है। अब कुछ लोग कहेंगे कि गाय का घी खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या हमारा फैट बढ़ जाएगा, तो आपका फैट और कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े उसके लिए आप 1 किलो गाय के घी को अच्छा गर्म करके उसके अंदर 30 ग्राम काली मिर्च भून दो। वो आपका ना फैट बढ़ाएगा ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बल्कि कम करेगा इन चीज़ों को, और जो है आपकी कब्ज को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अब उस घी को शाम के समय दूध में डाल करके भी पी सकते हो, गुनगुने पानी में भी पी सकते हो, और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी।
ये प्रयोग हमने किया है, हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि इसके बड़े अच्छे परिणाम हैं। सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा आप दो बार ही इसका प्रयोग करें। लगातार लंबे समय तक कोई भी चूर्ण आप प्रयोग करोगे तो उसका जो है आपको नुकसान हो सकता है।